जागना आई। खान बलोच ने कहा, रानी जाग आई होगी पर घर की याद नहीं आई। महाराज फिर किस तरह घर की याद आई? कह रानी यो ना पूछा, ये दो घोड़िया ने मार मार का मेरा बुरा हाल कर दिया। मनु न्यू कहा अपने महल में जा, तेरी रानी बाटा डीके। रानी खान बलोचन ने कहा, तानो बागड़ के पीरे ताना तेरी जोत नू मैं सान नहीं भूल दी। खान बलोच ने कहा, रानी हाँ महाराज, एयो बागड़ाला बागड़ाला किसनों कहा था कि महाराज बागड़ दे समा हिंदुआ का पीर है जिसमें बहुत सी करामात है। आ रानी मनो न्यू बतायो, बागड़ाला मेरे ते भी बड़ा कोई? हाँ महाराज, ये तेरे ते बड़ा, इसकी तो सुख सुखी हुई है, चार खूंट का पुजदा पीर आयो, मन्ने सुख सुख रखी है, इसी की कृपा हुई है मेरे पास, जदी तो महल में आया। आहा, रानी मनु न्यू बता, ए जौन सावा जगान गया था वह भागड़ा लाता? हाँ महाराज, तन्ने सुख सुख रखी है? हाँ पति जी, ए मनु क्या पता तो सुख सुख रही है। अबागड़ाला भी इसनू तेरे पते सुख लेनी है जद मनु जगान आया, जे कहीं मनु पता लग जंदा ना सुख तो मैं लिंदा बागड़ाले पते अपनी। आओ क्या इसके नौकी के जागने के नौकी, कच्ची नींद नहीं ठाया मैं। ईरानी मनु न्यू बता, क्या सुख रखिया? के पति जी सुख तो थोड़ी हो, फिर भी के सवा पच्ची मन दलिया, सवा पच्ची मन प्रसाद के शाबाश, कोई कसर भी नहीं है। मनु थोड़ी सी सुख बतावा, पंजा मन लाजमा तो यो ही हो गया, होर भी या कुछ है? हाँ महाराज, तो मन ना छोटा करा, देखे प्राण ना दे दिए, बहुत ही बड़ी सुख नहीं है। पच्ची बकरे पेट के पच्ची कड़ी शराब के शाबस, तेरे कोई कसर नहीं उजड़ने मत, और भी कुछ है? कि हाँ महाराज, थोड़ी सी कुछ सुख हो रहा, कौन सी? 101 ऊंटी रे मोती मरसे के लदी लदाए बागड़ में चढ़ाने हैं, और 200 सोने के नगारे। जद इतनी बात कही है गोड्या तक जान निकड़ गई है। ए रानी मैं मर गया, ये कमाइया करता होया,
सारा कुछ तो बागड़ चढ़ाया वागी बुरा क्या रह जाएगा। इस ते जिंदा इतना कुछ चढ़ाने दे तो मनु चढ़ाया बागड़। ओहो रानी खान बलोचन क्या कह रही है महाराज मन छोटा ना करा रहा बाटा कर दो बीत गई रात सारी। उधर ते कौलू भगत दूसरा चाला लेके आ गया। संगत जय जयकारे बोल रही है। जद खान बलोच के किले में जाकर खड़दू उतरिया जयकारा की सुनी आवाज। खान बलोच ने कहा रानी ये देखे हो तूफान किनू ते आ गया बहुत शोर मिच रहा अपने तो यो करा के महाराज कुरली ते कौलू आया है। कुरली ते कौलू आया है इसकी भी चंद्रे की सुख सुख रखी तने कोई कि ना महाराज यो भगता बाबे का उसका पीर बागड़ा रहेगा। इसी ने तो रास्ता पाया कि शाबाश रानी सब दुनिया नु इसी तरह के रास्ते दिखांदा होगा कुछ हो दिन में बागड़ वास्ता तो रोड बना देगा। यो एडी एडी सुखा लान लग गया ना यो बागड़ में कोई कमी नहीं रहने की है। महाराज देर ना करा बस सुख लेकर चली बा केसनु न्यू कह देता हूं जा मर पानी जाया जाना। रानी खान बलोचन ने आन का जवाब दे दिया भी मेरे पति ने इनकार कर दिया बाबा जी भी मर बागड़ नहीं जाया जाता। कौलू भगत ने कहा देवी अपने पति नु न्यू तो पूछ क्या आस्ते नहीं जंदा। खान बलोचन ने पूछा खान बलोच कह रहा रानी सिवता कर रही है बागड़ आले पीर की तो मैं मनूंगा चादा जे मारे करा कोई चौ चादना हो जा कैसा जे पीर बागड़ वाला कोई मनु बच्चा दे दे सुख फिर आवांगे जांगे लेका। ओहो देखो कौन है एक रानी खान बलोचन कौलू भगत के चरणों में किस तरह बेनती कर रही है क्या तेरे कहने की बात क्या संगता के सुनने की बात। कौलू भगत ने वरदान दे दिया के जाओ आंदा चाला आने से पहला पहला तेरे महल के विच में लड़का होगा। मेहरबानो कौलू भगत लेगा संगत नु देश बागड़ में आए स्नान करे सूरज के गहने में सलाम करी टिल्ले नु झंडा पीर के दरबार में लाया चौंकी भरिया पीर के दरबार में हाजिर होया बागड़ का पीर और नार सिंह वजीर
कौलू भगत नू पुछा भी सबकी चौंकी मंजूर है मनू पर न्यू बतावा खान बलोच सुख लेकर नहीं आया। कौलू भगत ने कहा महाराज सुख लेकर तेरी आवांगे। उन्हें बच्चा की बच्चे की मांग मंगी है भी जे पीर बागड़ वाले की कृपा हो जाए हमारे महल में लड़का हो जाए सुख बड़ी धूमधाम से देंगे। कि तूने क्या कहा कि मैं तेरा नौ लेकर वरदान दे आया भी थारे महल में लड़का होगा कि जाओ वरदान तेरे पूरे होंगे। कौलू भगत लेका संगत नू वापस आ गया। समा बीतदा जा रहा चौंकी पीर के नाम की लाई थी और वरदान दिए थे कृपा पीर की होगी रानी खान बलोचन का लड़का पैदा हो गया। ढोल बज गए खुशियां के खान बलोच ने बच्चा गोदी मां ले लिया। कहा रानी अपने महल मां लड़का होया इस बच्चे का क्या नाम धरांगे। रानी खान बलोचन ने कहा पति जी मेरे मन मां बात कदी की है इसका नाम मैंने कदी का अपने दिल में सोचा भाभी क्या नाम रखूंगी क्या नाम तर आगी के इसका नाम रखूंगी पीर दिया। पीर ने दिया ना पानू इसका नाम पीर दिया रखूंगी। हे फिट्टे मोह तेरा रानी कदी पीर भी छोकरे देख रहा बच्चा दिया मेरे अल्लाह ताला खुदा ने इसका नाम अल्लाह दीन रखूंगा मैं कि नहीं महाराज बच्चे का नाम पीर दिया रखांगे। पीर ने दिया कि रानी मैं गया होया था सात समुद्रा के पार हीरे मोती मरसा का व्यापार करने वास्ता और मैं हूं मोतियां का व्यापारी इसका नाम मैंने मोती चूर रख दिया और तौ जान जितने भी जिक्र करया होर गाड़ी कोई और बागड़ वाले का नाम ना मेरे पास ले करा के सुख तो देनी पड़ागी के सुख ऐसे दूंगा तेरी और बागड़ वाले की याद रखागी। चुप कर का कर्मा बैठी रहा ऐसे खड़ाऊंगा कि खंड मेहरबानो। रानी खान बलोचन चुप बैठी है। कौलू भगत तीसरा चाला लेकर आ गया। संगत बोल रही है जय जयकारी आया का आवाज मारिया देवी तेरे मन की मुराद पूरी हुई है कि हां बाबा जी मारे महल में लड़का जे थारे महल में लड़का हो गया सुख तो दे आओ पूछू अपने पति ने। दौड़ी दौड़ी गई है पति जी हारानी खान बलोचन अपने दिल में सोच रही है भी पड़े तो खड़ी हुई कुवाड़ी कितनों आयो जे बागड़ वाले का नाम लिया क्या पता क्या कहा गया। महाराज देखे कुरली ते कौलू भगत का संग आया और अपा नु सुख देनी बागड़ वाले पीर की तो तेरे मन की भी इच्छा पूरी हुई अपने महल में लड़का। खान बलोच ने कहा रानी चित बहुत कर रहा बागड़ जाने नू के फिर इसकी बच्चे की होगी मुश्किल तो पानवा क्यों के इसनू किस तरह ले चलांगे बागड़। खान बलोचन ने कहा इसनू मैं ठाऊंगी बच्चे नू इसमें कहीं बोझ आ जाता। हां ठीक है मनु भी दिखा भी बच्चा तो चक लेगी तो मैं तेरी गे लू चलूंगा पीछा लगेगा कि तो उठा लिए कि बात तो एक अजे मैं बच्चे नु चक लूंगा गोद तेरी सुननी रही जागी और जे बच्चे नु तो उठावागी फिर गोद मेरी सुननी रही जागी कि क्या कहा तो कि मैं कौन सक कोई उर्दू बोल रहा समझ में तो तेरे भी है रही है और नालो वा बागड़ वाला पीर तेरे तो कहने में चला बहुत उसनु न्यू कहो बच्चा की मिला दे जोड़ी जोड़ी की कट्ठी उजात जाया होंगी। और रानी खान बलोचन ने आय का इसी तरह कहा महाराज बाबा जी जे बागड़ वाले पीर की कृपा हो जा मारे महल में दूसरा हो जा लड़का बच्चा की मिल जा जोड़ी सुख बड़ी धूमधाम ते देंगे। कौलू भगत ने कहा कि जाओ आंदा चाला आनी दे पहला पहला तेरे महल में दूसरा भी लड़का हो जाएगा
उन्हीं पैरों वापस मुड़ गया, पहुंच गया देश बागड़ मां, स्नान करिया संगता ने गगैनी मां, सलाम करी टिले नू, झंडा पीर के दरबार मां लाया, चौंकी पीर के नाम की लगी है, हाजिर होया बागड़ का पीर और नार सिंह वजीर, आवाज मारिया कोलू, हां महाराज संगत तेरी गिल बहुत वध ते वध आई है, खान बलोच नहीं आया, क्या महलमा लड़का नहीं होया, के लड़का तो होया, के फिर उन्हें दूसरे बच्चे की भी मांग मंगी है, के तन्ने क्या कहा, के कहना क्या था महाराज, गुस्सा तो मनु बहुत आया, गुस्सा आया था, कहा के गुस्से में क्या कहा, के कहना क्या था, उन्हें कहा अभी थारे महल में दूसरा भी लड़का हो। पीर ने कहा वाह वे मेरे भोले भगत, नालों तो कह रहा भी मनु गुस्सा बहुत आया था, और गुस्से में उन्हें दे आया बच्चे की वरदानता, तेरा इतना गुस्सा खराब आ, जौन सा गुस्से में भी वरदान बच्चों के दे आ, ओए मेरे भोले भगत, जौन से वरदान तन्ने ने दे दिए ना, चाह तो गुस्से में चाह राजी होगा, ने तो होवांगे पूरे, एक बार पूछा ये जे तो तेरी गेल आएगी ठीक है, बाकी तो नाराज ना होइए, कदी गुस्से में होर कुछ कहया वालूमा, कोई लोड़ नहीं तेनू गुस्सा होने की, बागड़ नू चलिया ये मैं जानू, फिर जाना मेरे कम, लकौलू भगत तो वापस मुड़िया, चाले मत टाइम थोड़ा रह गया, रानी खान बलोचन का दूसरा भी लड़का हो गया, ढोल बज गए खुशियां के, खान बलोच महल में आ गया, बच्चा गोदी में ले लिया, पूछ रहा रानी अपने महल में दूसरा भी लड़का हो गया, कि हाँ महाराज इसका क्या नाम तरांगे, कि पहले बच्चे का नाम तन्ने तरिया था, इसका मैं नाम आप रखूंगी, कि तर ले कोई बात नहीं, मनु कोई नाराजगी नहीं है, पर नौ बगाड़ ना दिए, कि इसका नाम मैं पीर दिया रखूंगी, कि शाबाश तेरे कोई कसर नहीं है, तो पीर नू ना भूलिए, इसका नाम पीर दिए ही रख, मनु कोई इसमा लंजन नहीं है, बच्चा तो मेरे अल्लाह ताला खुदा ने दिया था, इसका नाम रखना था मनु अल्लाह दीन, पर कोई बात नहीं, तो इसका नाम पीर दिया तर ले, पर जौन सी तेरे मन में बात है, मेरे सौ सौ कोस लवे नु नहीं है, किस तरह के जे न्यू कहंदे हो कि भी बागड़ चले चलांगे, बागड़ ते मेरा चिट्टा जवाब आ, कौलू भगत चल लेगा फिर आ गया, एक बार ऐका आवाज मारिया, रानी खान बलोचन ने रोए का, कौलू भगत नु क्या कहा भी बाबा जी सुनिए, प्यारा खोलू मैं का सड़ावा
ना घबरावा जाना बागड़ वाला पीर जिन्नू सुख लेनी कौलू भगत देश बागड़ मां लेकर संगत नू पहुंच गया। संगत ने इसी तरह स्नान करी है गग्याणी मां सलाम करी है तिले नू झंडा पीर के दरबार मां लग्या चौंकी पीर के नाम की लगी हुई है। पीर महाराज जी हाजिर हो गए। पीर ने पूछा भाई कौलू संगत तो तेरी जेड़े बाद ते बाद आई हुई है पर खान बलूच नहीं आया कि महाराज उसने सुख ते जवाब दे दिया। दूसरा लड़का उनके महल में हो गया। चेतन ने क्या कहा भी मैं तो तेरा हुक्म पगाया तन्ने कहा तो मैं चले आया कि कौलू कोई बात नहीं जे तो तेरी के अलावा अगले साल तो मनु पीर जानिए वरना पीर मैं जानिया जाओ सब की चौंकी मंजूर है। कौलू भगत तो लेकर संगत नु कुरली मैं गया कि पीर महाराज और नार सिंह दवान होएगा घोड़िया के सवार चुनड़ी शहर में आएगा। टाइम अंधी रात का दर्शन करे खान बलोच के पड़ा सुंदर नजर आया। पीर ने कहा ओए नारसिंह दवान हाँ महाराज ओए क्या पड़ा छेज पा लुट रहा मौज बहा रहा कुछ याद नहीं है इसके कि हुक्म कह क्या करना होना करना महाराज कि ऐसा काम कर इसनु पुट्ठी मुस्कान दे दे पहले तो बेचेंगे आड़ ना मार दे गोमा पता ना लग जा भी पूरा क्या हो रहा। जिसने चिंगाड़ भी मार दी गौनों को जा देगा पता ना लगना चाहिए इसकी खड़काई भी ऐसे टांग गिल करनी है। पुट्ठी मुस्कान दे दी छेज के तड़ा मारिया जवान नु जिंदा लगे होया है जद बंद जूड़ का तला गेरिया भी है अखां खोल रहा और पीर कन्नी नु देख रहा। पीर ने इशारा करया कि हां पछाणया फिर तने बोलिया तो जिंदा ने सिर लाया गया हो पछाण लिया कि सुख के बारे में तो बता फेरी कुछ है रहदा तेरा सुख देने का सिर लाया के कोई रहदा नहीं बनदा। जो पीर ने देर नहीं करी गोड्या तक धरती माता कि ईब सना कुछ करा जी बागड़ जाने नू सिर लाया के ना छाती तक धरती मां नगार दिया के ईब कसर कोई नहीं थोड़ी हो रह रही है। नार सिंह दवान नु कहा कि इसनु कर लंदे मन की इच्छा पूरी खोल दे जिंदा जवान का। जवान का जिंदा खुल गया। पीर ने पूछा कि सुना ईब सुना है रहदा सुख देने वाला। खान बलोच ने जोशमा भरका कहा ओए बागड़ के पीर है जे तो बागड़ का पीर है मैं भी तो चुनड़ी शहर का खान बलोच इतने कनु क्या धरती मां नगार मनु सारियो नु धरती मां नगार दे और सुख ते तो मेरे पते जवाब ले जा सुख नहीं दिंदा मैं। जद न्यू भी कहा भी सुख नहीं मैं दिंदा। पीर महाराज ने कहा वे जुल्म की बात तो मनु जवाब दे रहा जे सुखा लेकर तो मेरी ना आया तो मनु बागड़ वाला पीर कौन कहेगा। ओए चक का नेजा पीर ने पा का मुंह मनु जत धक्का मारिया है सत का नेजा जा का रड़क्या कलेजा च ज्ञान मारी देखे महाराज देखे मनु बरस दे। उसी तरह कहो
जिस तरह पहला अखा दिखावा वास्ते पैरिया महाराज मनु बख्श दे ताऊ जानिया तेरी कला ना जानी तेरी कला के जाऊं कुर्बान निजा बाहर कर दे सुख दूंगा निजा बाहर कर दिया कईब के मनु धरती मते भी बाहर कढ ले धरती मते बाहर कढ़िया के ईब हाथ जोड़ का खड़ गया आ सकते आज चार खूंट के शहनशाह आज दुनिया के दाता देने वाला तो तवा मैं मंगता मैं क्या दे दूंगा तनु ओ देने वालों तो तवा मैं तो गरीब हूं मैं मंगने वाला देने वाला तवा मैं कुछ नहीं दे सकता इतने में छतरी का नशा टिल्ला कर दिया पीर ने कहा भी सुख तो फिर देनी पड़ेगी कि सुख दे दूंगा तेरी ईन भरूंगा इतनी नहीं कितनी के कट कर ले के कर ले जितनी कट करा अद्धी दे दे के अद्धी भी ज्यादा के होर के जौन सा पांच मन दलिया दूंगा और पांच मन प्रसाद दूंगा पीर ने कहा मंजूर है और पांच बकरे पेट के दूंगा पांच घड़े शराब के दूंगा के यो भी मंजूर है के जो से ऊंटा 101 औ भी पंजो दीहूंगा सीधा साहब रही जागा के जा मंजूर है के सोने के नगारे नहीं दिए जंदे के होर असल तात के दे दूंगा के ये भी मंजूर है पर लेका जी बागड़वा जे बागड़ देश मा इवका ना आया मनु दूर न जानी ला मेहरबानो पीर तो बागड़ मा चले गया और उधर ते कुरली ते कौलू भगत संग लेका आ गया खान बलोच पल पल की बाटा डीक रहा है लदन दत दत देखो कौन है जिस टाइम कौलू भगत संग लेका पहुंचा चुनरी शहर के लाग नो रानी खान बलोचन ने कहा भी कौलू भगत का संग जा चले होया और तन्ने पिछले बारी ऐसा मंदे बोल बोले हैं इव के बारी शहर में भी नहीं बढ़ते मेनी शहर में बढ़ दे अपना जा रलांगे सुखां करका त्यार कौलू भगत के कदम में शीस नवाया बाबा जी मनु सुख देनी यार मनु गेल ले चला गेल चल दिए बाता किसे बड़ी है देश बागड़ में जायका ओए पीर के नाम की सुखां संगत दे रही है लगन दाते सलाम करिया संगत ने टिले नू सूरज के कहने में संगत ना ही है रानी खान बलोचन नू क्या कह रहा के आ रानी हाँ महाराज देखे उरा ना बढ़ जिए पानी में लेकर न्याणिया नू कितना कोर पानिया ये तो लोग मूर्खा इन न्याणे का खाजना ला दिए उरो जले कहते खबरा कैसे कैसे बीमार लोग न रहे ने संगता ने खूब गोते लाए हैं खान बलोच ने उंगली तक नहीं डबोई सलाम करिया टिले नू संगत ने आप तला नू कहीं देखा भी टिला अंदर दे किस तरह का चंडा पीर के दरबार नू लाया संगत बोल रही है जय जयकारी हुक्म दे दिया नौकरा नू पलंग ले गया गेल जाल के पेडे तला डरवा लिया दोपहर का टाइम हुक्म दे दिया रानी नू रानी हाँ महाराज इन बच्चा नू नूरा आ जा लेका कहां खड़ी है तू पमा देखे कोई से बच्चे नू बीमार ना कर दिए पूरा कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है दमदात्यो रानी खान बलोचन ने कहना नहीं मोड़िया पलंग के ऊपर बैठ गई है बच्चा नू लेकर पड़का सोई गई सुख दी गई है संगत बैठ का चौंकी पर रही है कोई पता नहीं हाजिर होया बागड़ का पीर और नार सिंह बजीर सारे ते पहला पूछा कौलू संगत सारी आई है वा खान बलोच जो भी नहीं आया कि आया कहा कि राम कर रही है आहा,
काम कर रही है कांचियां के पलंग के ऊपर पड़े के वाह भाई वाह, जे पलंग के ऊपर पड़ा फिर सुख लेकर नहीं आज आया, यो सुख ना मंजूर है जी। कौलू कहा मंजूर कर ले, ते कौलू मन्ने तेनू एक बारी कहा भी मैं जद देन जानू मैं लेन भी जानू, ये सुख ना मंजूर है। नारसिंह दवान कहा महाराज बच्चा मोती चूर उठाओ ख्वाजा साहब की अजमेर मां पचाओ, सुख दोबारा लेनी है बच्चा साल पिछा इस देवी नू फेर देना है। बच्चा नारसिंह दवान ने ठाया ख्वाजा साहब के पास पचाया, अब रानी खान बलोचन ने गेड़ा छेज पर खाया, बच्चा नजर ना आ।